अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों और बांग्लादेशियों और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। आईफोन 14 जो है वो मार्केट में आ गया है, यूएई में लॉन्च हो गया है और पहले 45 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे फ़ोन बिक गए हैं। अच्छा, अब मैं इस वीडियो बनाने का मकसद जो है मेरा वो आप लोगों को लूटने से बचाना है। क्या होता है नॉर्मली कि अमेरिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और पूरा घूम फिर के गल्फ वल्फ ये फ़ोन पहुंचते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में और फिर पहुंचते हैं इतनी सारी एक्स्ट्रा प्राइस के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी प्राइस बताने जा रहा हूं जो यहां पर प्राइस में ले रहे हैं लोग फोन, और आपको आपके मुल्क में कितने की पड़ेगी। इससे क्या होगा, इस वीडियो के बनाने से आपको एक फायदा होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यार ये पाकिस्तान में फोन इतने का होना चाहिए। मतलब आपको कोई डीलर या कोई भी बीच का बंदा ऐसे खेपिया वगैरह लूट नहीं सकेगा। तो अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अगर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम जहां भी देख रहे हैं वहां फॉलो कर लें ताकि इस तरह की आपको मनी सेविंग वीडियोस मिलती रहे। अच्छा जी, विदाउट टाइम वेस्ट मैं आपको बताता चलूं कि आईफोन 14 जो है वो 3399 दिरहम का लॉन्च हुआ है यूएई में। 3399 दिरहम आपके जो पीके आ रहे हैं वो बनते हैं 2,18,827 रुपए और 23 पैसे। आईफोन 14 प्लस जो लॉन्च हुआ है यहां पर वो हुआ है 3799 दिरहम, 3,799 दिरहम में, जो आपके पीकेआर में पाकिस्तानी रुपीज में बनते हैं 2,44,589.37 रुपीज। आईफोन 14 प्रो जो है वो यहां पर लॉन्च हुआ है 4,299 दिरहम में, 4,299 दिरहम में, जो आपके पीकेआर पाकिस्तानी रुपीज बनते हैं 2,76,769। उसके बाद आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है वो हुआ है 4,699 दिरहम का, यहां पर उसकी प्राइस आई है, जो आपके पीकेआर जो है पाकिस्तानी रुपीज बनते हैं 3,02,521.70 रुपए। उसके बाद जो कलर्स वगैरह अभी अवेलेबल हैं यहाँ पर वो लिमिटेड हैं और उसके साथ ही मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसकी पूरी रेंज आ जाएगी। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं अगली वीडियो में आपसे जो एप्पल की यहाँ पे 8 सीरीज की वॉच अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है उसकी भी प्राइस और उसका भी रिव्यू मैं आपको दूंगा, और उसके साथ ही साथ आपको जो इनके डॉट्स आए हैं एयर डॉट्स जो हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसकी कितनी वैल्यू है यहाँ पर और आप उसको कितने में खरीद सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जब पाकिस्तान ये पहुंचेगी चीज़ तो इतने की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कोई बंदा मार्जिन ले रहा तो ठीक है, बट जो लंबे लंबे मार्जिन लेते हैं, बड़े बड़े मार्जिन लेते हैं, उससे आप लोग बच सकेंगे। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मुझे इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।